दोस्तों आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैमसंग A52 के बारे में। देखिए दोस्तों, इस मोबाइल में प्रॉब्लम था, चार्ज नहीं हो रहा था। चार्जिंग लोगो इधर शो कर रहा था लेकिन चार्ज नहीं हो रहा था। तो इसको तो मैंने बना लिया लेकिन कैसे बनाया वो मैं बताऊंगा, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है बहुत बहुत ही मोबाइल में आता है। मतलब सैमसंग का अगर आपका कोई भी डिवाइस है उसमें भी ये प्रॉब्लम आता है, चार्जिंग लोगो आता है लेकिन चार्ज नहीं होता है। मैंने इसमें मेरे पास कम से कम 3 महीना से ये मोबाइल पड़ा हुआ है और मैंने अच्छा अच्छा टेक्नीशियन को भी दिखाया, मैंने खुद भी ट्राई किया और मेरा जो भाई है उन लोग को भी दिखाया। बहुत सारा टेंशन के बाद, बहुत सारा कुछ ट्राई करने के बाद एक्चुअली में उसका फॉल्ट भी पता चला, और फॉल्ट ज़्यादा बड़ा नहीं है, फॉल्ट बहुत छोटा है लेकिन ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो आज उसी के बारे में बताऊंगा। अगर आपके पास सैमसंग का मोबाइल है, देखिए ये ऑन हो गया, अभी मैंने चार्ज भी बैठाया था, 27% चार्ज भी हो गया, तो उसमें क्या फॉल्ट था, क्या फॉल्ट के चलते ये जो प्रॉब्लम हो रहा था और आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो। इससे पहले इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था, उसमें बताया था क्या करना है, लेकिन उसके बाद भी वो चीज़ मैंने भी ट्राई किया लेकिन उसके बाद भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। उसके बाद मैंने क्या किया सब कुछ बताऊंगा। अच्छा ठीक है, वीडियो अगर पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ऐसे ही मोबाइल के बारे में अच्छा अच्छा वीडियो आपको इस चैनल में मिलता रहेगा। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2000 years later देखिए दोस्तों, ये है सैमसंग का A52। लेकिन अगर आपके पास कोई भी सैमसंग का मोबाइल है, कोई भी, और उसमें अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि ये जो नया मोबाइल है, नया जितना भी सैमसंग का मॉडल आ रहा है, सैमसंग A32, 52 या तो सैमसंग A22, जितना भी मॉडल आ रहा है सैमसंग का अभी लेटेस्ट, उसमें सेम प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन इसमें एक काम किया गया था, डिस्प्ले चेंज हुआ था दोस्तों, इसका डिस्प्ले टूट गया था और मैंने इसका डिस्प्ले चेंज किया और डिस्प्ले चेंज करने के बाद ऐसा प्रॉब्लम हुआ। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ है तो आप पहले इसका जो नीचे का बोर्ड है इसको चेंज करके देखो, क्योंकि इसको मैंने भी चेंज किया था लेकिन उसमें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। उसके बाद मैंने क्या किया ना, ये जो डिस्प्ले का इधर जो कनेक्टर रहता है, ये जो फ्लैक्स जाके लगता है इधर, ये जो कनेक्टर है जो मदरबोर्ड में लगा रहता है, उस कनेक्टर को रिप्लेस किया। उसी मदरबोर्ड मतलब उसमें जो कनेक्टर है उस कनेक्टर में ही प्रॉब्लम था, कनेक्टर अंदर से टूटा हुआ था। क्योंकि मैंने इसको बहुत ट्राई किया, ट्राई करने के बाद अच्छा से जब देखा इसके अंदर, तो इसके अंदर 2-3 पिन टूट गया था। तो मैंने उसको जब पिन को चेंज किया, कल ही मैंने इसको चेंज किया, तो जैसे ही उसका कनेक्टर मैंने चेंज किया तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आराम से, अभी चार्ज भी हो रहा है, सब कुछ ओके है। तो आप भी इसका जो कनेक्टर है इसको चेंज करके अपना प्रॉब्लम ठीक कर सकते हो। पहले तो लेकिन इसका जो सीसी बोर्ड है सब बोर्ड होता है, उसको चेंज करके देखिए। अगर सब बोर्ड चेंज करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो सब बोर्ड, 90% कस्टमर का यही प्रॉब्लम होता है सब बोर्ड का, चार्जिंग जैक का, सब बोर्ड चेंज करने से चार्जिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगर नहीं होता है तब जाके ये चीज़ ट्राई करना, ठीक है दोस्तों। तो समझ में आया आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।